आखिर कौन है कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा जिसने ली सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी। रोहित गोदारा ने केवल 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में एंट्री कर ली थी। मिली जानकारी के मुताबिक रोहित खुद का गैंग भी चलाता है। रोहित गोदारा मूल रूप से बीकानेर के कालू थाना क्षेत्र स्थित लुणकरणसर का रहने वाला है। बताया जाता है कि साल 2010 से ही वह अपराध की दुनिया में शामिल हो गया था। रोहित राजस्थान में लॉरेंस के खास गुर्गों में शामिल है और विदेश में बैठकर वारदात को अंजाम देता है। दरअसल कुछ दिनों पहले लाड़नू विधायक मुकेश भाकर को भी इसने फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। इसके अलावा रोहित पर 1,00,000 का इनाम भी घोषित है। लगभग 1 साल पहले सीकर से एक खबर आई थी। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या हो गई थी। उस हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट पर ली थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी इसका नाम सामने आया था। जयपुर के क्लब में कारोबारी को धमकी देकर 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में भी इसी का नाम सामने आया था। कहा जाता है कि रोहित अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट एजेंसी से बॉडीगार्ड भी रखता है। रोहित के गैंग में 150 से अधिक लड़के हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही पुलिस रोहित की तलाश में जुटी हुई है। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या करने के बाद रोहित ने फेसबुक पर लिखा है, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा का पूरी सेल। गोल्डी बराड़ भाइयों, आज यह जो सुखदेव गोगा मेड़ी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। इस वायरल पोस्ट में गैंगस्टर ने अपने दुश्मनों को चेतावनी भी दी है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के खिलाफ इंटरपोल में रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक रोहित दुबई में रहकर भी वारदातों को अंजाम दिलवाता है। बताया जाता है कि रोहित पर गंभीर अपराध के करीब 32 से ज्यादा मामले दर्ज। राजस्थान के व्यवसायियों से रोहित 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है। जब रोहित ने राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी ली थी उस दौरान उसने कहा था कि आनंद पाल सिंह और बलवीर बानूड़ा की मौत का बदला लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक रोहित 13 जून 2022 को दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भागा था। इसने फर्जी पासपोर्ट में अपना नाम पवन कुमार लिखवाया था। माना जा रहा है कि इस समय रोहित कनाडा में है। सुखदेव गोगा मेड़ी पर 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, फिर भाग निकले। गोगा मेड़ी को पास के मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोगा मेड़ी के साथ घटना के समय मौजूद गार्ड अजीत सिंह को भी गोली मारी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।